Good morning students, welcome to the class. I myself Rachna Saxena, teacher of Jingle Bells. Today I will study the ninth chapter, which is about the land of snow and ice. All of you can look at your book while explaining. So the land of snow, जो snow का जो land है, ice का जो land है, उसको कहा जाता है frigid zone. और वो permanently cover होता है बर्फ से और frozen से throughout the year, पूरे साल. There are टू फ्रिजिड जोन्स, दो फ्रिजिड जोन्स पाए जाते हैं हर एक एमोस्फियर में. एक हो गया नॉर्थ फ्रिजिड जोन, जो कि आर्टिक और सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है, वाइल द साउथ फ्रिजिड जोन, जो कि एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में है. द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न लिमिट्स, जो नॉर्दर्न और साउदर्न लिमिट्स होती हैं फ्रिजिड जोन्स की, उनको कहते हैं नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. नाउ ऑल ऑफ यू, देयर इज वन ब्लैंक स्पेस, you have to tick the correct answer in this. The land of snow and ice is also known as what? Antarctic circle, north zone, frigid zone, south zone. The answer is frigid zone. Okay, you have to write these fill-ups inside fill-ups. If you want, you can tick in your book. What is about the Greenland, the island of Greenland? Students, do you know what is island? Island is a water where the water, in the between of the water, sea, you have a piece of land that is called an island. So the island of Greenland lies near the, जो island है Greenland का, वो north pole पे रहता है. its northern point is just 650 kilometer. उसका northern point 650 किलोमीटर है नॉर्थ पोल से. इट इज द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड को सबसे वर्ल्ड का, संसार का लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बरिड अंडर अ थिक शीट, अधिकतर जो होता है वो वहां पे एक भारी थिक शीट से ढका हुआ होता है, आइस से, मतलब वहां पे उसके ऊपर आइस बहुत ज्यादा होती है. ड्यू टू दिस द सेटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, और इसीलिए वहाँ पे कोई भी सेटलमेंट नहीं कर पाता है, सेटल नहीं हो पाता है. इन द कोस्टल एरियाज देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स, वहाँ पे बहुत ही कम लार्ज टाउन्स पाए गए हैं इन ग्रीनलैंड. इन यूनिट्स द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, जो इन यूनिट्स हैं वो लोगों के, इन यूनिट्स जो है वो लोगों का ग्रीनलैंड है, जिसको बोला जाता है कालालिट नॉट, विच मीन्स लैंड ऑफ द पीपल. कालालिट नॉट जो है वो दूसरा नाम है ग्रीनलैंड का और इन यूनिट का. और जो इसको कालालिट नॉट को लैंड ऑफ द पीपल भी कहा जाता है. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है? नॉक. ग्रीनलैंड का कैपिटल है नॉक, विच मीन्स गॉड थैप, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट टाउन इन द आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा टाउन माना गया है आइलैंड में. नाउ वॉट अबाउट इट्स ज्योग्राफी? ग्रीनलैंड हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 2175000 स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया इतना स्क्वायर किलोमीटर है, मोर देन टू थर्ड, मतलब दो तिहाई, यू कैन से टू थर्ड ऑफ द आइलैंड जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ में ऑफ द आर्कटिक सर्किल में. इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, वो डेनमार्क का पार्ट है. ग्रीनलैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर, ग्रीनलैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर इज इट्स ह्यूज आइस शीट, वो उसकी बहुत ही बड़ी लंबी ह्यूज आइस शीट को कहा जाता है. द आइस शीट कवर्स मोर देन 80% ऑफ ग्रीनलैंड, मतलब वहां पे बर्फ ने 80% ग्रीनलैंड को कवर करके रखा हुआ है टोटल लैंड एरिया से. द एवरेज थिकनेस, और जो एवरेज थिकनेस है आइस की, इज अबाउट 1500 किलोमीटर. द स्नो डेट फॉल्स, जो बर्फ वहां गिरती है, इज स्क्वीज्ड, उसको निचुड़ जाती है, स्क्वीज्ड हो जाती है टुगेदर इनटू आइस लेयर्स, वो एक संग आइस लेयर्स में स्क्वीज्ड हो जाती है. दीज लेयर्स पुश
टूवर्ड्स आउटवर्ड्स, ये लेयर बाहर को धक्का, बाहर को पुश की जाती है टूवर्ड्स द सी, सी के तरफ। द लार्ज मासेज ऑफ आइस, जो लार्ज मासेज हैं आइस के, वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं किसकी तरफ, ग्लेशियर्स, जिसको कहते हैं ग्लेशियर्स। नियर द कोस्ट, और कोस्ट के पास ह्यूज चंक्स ऑफ आइस ब्रेक हैं, ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर्स। दीज आइस चंक्स, जो ये आइस के बॉल्स होते हैं, फ्लो इन टू द सी, वो सी में फ्लो करते हैं एज आइसबर्ग्स की तरह। द आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस, आइसबर्ग्स बहुत ही डेंजरस होते हैं एज दे आर नॉट सीन ड्यू टू थिक फॉग। जब कोहरा ज़्यादा होता है तो ये आइस तब ये आइस जो है, आइसबर्ग जो है वो नहीं दिखती हैं घने कोहरे की वजह से। इन फॉर एन आइसबर्ग पोजेस डेंजर, फिर आइसबर्ग जो हो जाती है वो हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। टू शिप्स, शिप्स के लिए जो वहाँ चलती हैं, डेट सेल थ्रू दिस रीजन, जो इस रीजन से निकलती है। दिस इज बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर आइसबर्ग्स का पार्ट रिमेन रहता है अंडर वाटर एंड एज अ रिजल्ट शिप्स में कोलाइड एंड बी रेकेड, और शिप्स जो है वो एक दूसरे से भिड़ भी सकती हैं और खराब एक्सीडेंट्स के भी चांसेस रहते हैं। नाउ क्लाइमेट, वॉट इज द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज आर्टिक, आर्टिक का क्लाइमेट है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, विच मीन्स फ्रीजिंग कोल्ड। आर्टिक में फ्रीजिंग कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड। स्नो स्टॉर्म्स कॉल्ड ब्लिजार्ड्स, स्नो स्टॉर्म्स को ब्लिजार्ड्स कहा जाता है, ये कॉमन फीचर है। दीज स्टॉर्म्स स्टार्ट एंड कम वेरी इन सडनली, ये स्टॉर्म्स जो तूफान वगैरह आता है वो एकदम से सडनली एकदम से आ जाता है। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क, विंटर्स बड़ी होती हैं और डार्क भी होती हैं। द सन डज नॉट राइज अबव द होराइजन, वहाँ पे सन जो है वो नहीं राइज होता है होराइजन के ऊपर से। द सन इज नॉट सीन, मतलब आप देखते ना जब हम लोग के अभी बहुत ठंड पड़ती है, कई दिन तक धूप नहीं निकलती है, सेम थिंग इज देयर। द सन इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स, कई हफ्तों तक वहां पे धूप नहीं निकलती है। हेंस देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस, इसलिए वहां पे कंटिन्यूअस डार्कनेस रहती है दिन में भी। देयर इज अ हैवी स्नोफॉल, वहां पे बहुत तेज स्नोफॉल होता है उस रीजन में। समर्स आर कूल, वहां पे समर्स भी कूल रहते हैं विद एवरेज एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहां का दिन में भी आप सोचिए टेम्परेचर इतना ही रहता है 7 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन फेरानाइट 45 डिग्री फेरानाइट, और बिलो और या तो इससे नीचे ऑल थ्रू द आईलैंड। द वेदर इज ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरिया, वेदर जो है मौसम जो है वो ब्राइट रहता है और स्पेशली सनी रहता है कोस्टल एरियाज में। इन समर्स द सन डज नॉट सेट, ईव समर्स में सन जो है वो सेट नहीं होता है इवन मिडनाइट में वो नहीं सेट होता है। दिस हैपन्स फॉर मंथ, और ये कई सारे मंथ्स में होता है एक संग। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, इस एरिया को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नाउ देयर इज अ वन एमसीक्यू इज देयर, ऑल ऑफ यू कैन टेक द आंसर इन योर बुक। द लार्ज मासेस ऑफ आइस दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स, ब्लिजार्ड्स और नन ऑफ दिस। यस द आंसर इज ए, द ग्लेशियर्स। यू हैव टू टिक मार्क, यू कैन टिक इन द बुक इटसेल्फ। So students, for today we will study up to this. In the next class we'll continue with our chapter. Good morning students, welcome to the class. I myself Rachna Saxena. Now we'll continue with our chapter, that is of the land of snow and ice. We read what is Greenland. Greenland is the world's largest island, and many things we read on in the last class. Now come to the plants and animals. What type of plants and animals are there in the Greenland? Greenland is covered with ice. Greenland जो हम जानते हैं वो ice से covered होता है, बहुत ही वहाँ पे snowfall होती है, and its cold climate और cold ठंडा climate होने के कारण does not allow vegetation to thrive. वहाँ पे अच्छी vegetation भी नहीं हो पाती. Plants can grow only in few part of the island. Plants खाली island के कुछ ही part में
उग पाते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस, जो वहाँ पे वेजिटेशन होती है वो खाली ग्रासेस की, मॉसेस की, लाइचेंस की, स्मॉल श्रब्स एंड ट्रीज की, इन सब का वहाँ पे वेजिटेशन हो पाता है। प्लांट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, वहाँ की प्लांट लाइफ बहुत कम होती है। वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड, बहुत ही कम पेड़ पाए जाएंगे देयर। दीज ट्रीज आर स्टंटेड एंड मोस्ट ऑफ देम बियर बेरीज। गेस ट्रीज जो होते हैं कभी तो एकदम चल जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं, कभी बहुत समय कम समय के लिए होते हैं, और ज़्यादातर वहाँ पे बियर बेरीज होते हैं डैट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल। बियर बेरीज जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कहाँ के, वहाँ के एनिमल्स के लिए। इन समर हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेसेस, समर में हर्ब्स उगते हैं कुछ प्लेसेस में। इन द स्प्रिंग सीजन में वी कैन सी सम फ्लावर्स ब्लूमिंग, हम कुछ अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी देख सकते हैं जो ब्लूम कर रहे हैं, हिल रहे हैं हवा से। द समर्स एज वेल एज स्प्रिंग, समर और स्प्रिंग सीजन में दे आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में वो बहुत छोटे होते हैं। एज देयर आर नो फॉरेस्ट, वहाँ पे कोई घना जंगल नहीं है। द वुड इज ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, वुड दूसरी कंट्रीज से लाया जाता है। द एनिमल्स विथ थिक फर, वो एनिमल जिनके ऊपर जो फर होता है वो ज़्यादा होती है, थिक होती है, वो सर्वाइव करते हैं वेल इन द ग्रीनलैंड। पोलर बियर एंड रेनडियर रोम अराउंड द आइलैंड, वहाँ पे ज़्यादातर पोलर बियर्स और रेनडियर पाए जाते हैं। द रेनडियर हैज फ्लैट फीट, रेनडियर की फीट जो होती है एकदम फ्लैट होती है, दैट हेल्प इट टू रन फास्ट, जो उनको तेज दौड़ने में मदद करती है। इट ऑल्सो हैज़ अ वाटर प्रूफ कोट, उनका वाटर प्रूफ कोट भी होता है जिस जो प्रोटेक्ट करता है उनको बर्फ से, स्नो से। अदर एनिमल्स इंक्लूड, और दूसरे एनिमल्स हैं मस्क ऑक्सन, आर्टिक फॉक्सेस, स्नो हेयर्स एंड रोडेंट्स, इनको लेमिंग्स कहा जाता है। सील्स एंड वेल्स लिव इन द आईसी, सील्स और वेल्स जो है वो आईसी कोल्ड वाटर्स में रहते हैं। हक्सीज और द फॉक लाइक डॉग्स आर यूज्ड टू पुल स्लेजेस, ये एनिमल को या लाइक डॉग्स को यूज किया जाता है स्लेजेस को पुल करने के लिए। नाउ ब्रीफ हिस्ट्री पीपल एंड कल्चर, नेटिव ग्रीनलैंड और इन्यूनिट्स, नेटिव ग्रीनलैंड या इन्यूनिट्स, पहले इसको एस्किमोज भी कहा जाता था, केम टू ग्रीनलैंड, वो ग्रीनलैंड आए नॉर्थ अमेरिका से सम 1000 ईयर्स एगो, 1000 साल पहले, इन 1982 AD में एरिक द रेड अ नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर सेल्ड फ्रॉम आइसलैंड टू ग्रीनलैंड। ये एक नेम है स्टूडेंट्स, ये जो है ये सेल होता है आइसलैंड टू ग्रीनलैंड तक। आफ्टर स्पेंडिंग 3 years ऑन आइलैंड, 3 साल आइलैंड पे बिताने के बाद ही केम बैक टू आइसलैंड, वो ये जो थे जेंटलमैन वो आइसलैंड वापस आ गए। द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री, और सबसे नियर यूरोपियन कंट्री के पास, हेयर ही टोल्ड पीपल, वहाँ पे उन्होंने लोगों को बोला अबाउट द न्यू लैंड, उन्होंने न्यू लैंड के बारे में बोला। ही कॉल्ड इट ग्रीनलैंड, उसको उन्होंने ग्रीनलैंड कहा, टू एनकरेज पीपल टू सेटल देयर, जिससे उनको एनकरेज किया, उत्साह किया, जिससे कि वहाँ पे वो लोग घर बसा सके, रह सके। इन 1953 में ग्रीनलैंड बिकेम पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड 1915 में ग्रीनलैंड जो है वो एक हिस्सा बन गया किंगडम ऑफ डेनमार्क का। डेनमार्क इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस। इन 1979 ग्रीनलैंड बिकेम सेल्फ गवर्निंग, और 1979 में ग्रीनलैंड अपने आप अपनी गवर्निंग अपने आप चलाता था, अपने आप करता था, विद इट्स ओन पार्लियामेंट, अपने पार्लियामेंट के जैसे अपने आप ही लॉज चलाता था। दो डेनमार्क कंटिन्यू टू कंट्रोल द आइलैंड फॉरेन अफेयर्स, जबकि डेनमार्क जो था वो कंटिन्यू उसने रखा अपना कंट्रोल आइलैंड फॉरेन अफेयर्स में। द इन्यूनिट्स आर हार्ड वर्किंग होते थे, ये लोग चेयरफुल बहुत ही खुश मिजाज के होते थे, हॉस्पिटेबल मतलब दूसरों की हेल्प करने में रहते थे। देयर लिव्स चेंज्ड ग्रेटली इन 20th century, उनकी जो रहन सहन जो था वो चेंज हुआ 20th century में। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्टेक्ट, क्योंकि कॉन्टेक्ट बढ़ गए विद द सोसाइटीज टू द साउथ, सोसाइटीज साउथ की सोसाइटीज के साथ। दे आर शॉर्ट स्ट्रांग एंड स्टाउट, वो शॉर्ट है, स्ट्रांग है और स्टाउट है। देयर फेसेस आर फ्लैट, उनके फेसेस एकदम फ्लैट हैं, विद नैरो ब्लैक आईज, देयर स्किन इज गोल्डन येलो, उनकी स्किन गोल्डन येलो है।
ऑलमोस्ट एवरी वन लिव्स इन स्मॉल टाउन्स. Everyone lives in small towns. हर कोई छोटे छोटे towns में रहता था. Data near the coast, जो coast के पास में. Over a period of time, और कई सालों period of time के बाद, they have adapted themselves to the harsh climate. फिर उन्होंने अपने आप को adapt करिया, अपने आप को settle करा harsh climate के according. The official ऑफिशियल लैंग्वेजेस वहाँ की होती थी डैनिश एंड ग्रीनलैंडिक, विच आर इन यूनिट लैंग्वेज. इसको इन यूनिट लैंग्वेजेस कहा जाता था. मैनी पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल इन यूनिट. कई लोग प्रैक्टिस करते थे ट्रेडिशनल इन यूनिट को चलाने में, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए. फोक आर्ट, स्पेशली सोप स्टोन कार्विंग एंड ड्रम डांसिंग रिमेन पॉपुलर. ये सब चीज़ें वहाँ पर पॉपुलर रहीं. द इन यूनिट्स यूज नैरो बोट. ये इन यूनिट्स जो थी वो बहुत नैरो बोट्स यूज करते थे, जिसको बोलते थे कायाक्स फॉर फिशिंग के लिए यूज होता था, और सी एनिमल्स को हंटिंग के लिए. बॉर्डर बोट्स जो थी उनको कहते थे यूमैक्स आर ऑल्सो यूज. ये यूमैक्स भी यूज होती थी बट विद अ डिफरेंट पर्पज, लेकिन उनका डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते थे. दीज बोट्स आर यूज टू कैरी वीमेन. ये जो उमाइक्स हैं, ये बोट जो है वो यूज होती थी कैरी करने के लिए वीमेन को, और चिल्ड्रंस को ले जाने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर व्हीलिंग. ग्रीनलैंड हैज हार्डली एनी रोड. ग्रीनलैंड पे कोई रोड नहीं थी. द पीपल यूज स्लेजेस. लोग स्लेजेस यूज करते थे, पुल्ड बाई रेंडियर्स, जो कि रेंडियर्स उसको खींचते थे, डॉग्स खींचते थे, टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ डेज द इनयूनिट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग मोटर बोट्स. नाउ देर इज थ्री मोर फिलअप्स आर देर इन द बुक. यू हैव टू फिल इन योर बुक. फर्स्ट इज इन डैश केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. हु केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? इन यूनिट्स, यस. डैनिश एंड ग्रीनलैंडिक आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ग्रीनलैंड. द इनयूनिट्स यूज नैरो बोट. इन यूनिट्स जो थी वो नैरो बोट यूज करते थे, उसका क्या नाम था? कायाक्स. नाउ हाउसेज. अर्लियर इनपुट्स लिव्ड इन सॉड हाउसेज. पहले जो था इनयूनिट जो थे वो लोग रहते थे सॉड हाउसेज में. दीज व बिल्ट ऑफ स्टोन. सॉड हाउसेज क्या होता था? वो स्टोन से बने होते थे, और वेल रिब बोन्स उस पर कवर्ड करते थे विद ग्रास एंड सॉइल फॉर रूफ के लिए. सम इन यूनिट्स हु लिव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, और जो कुछ यूनिट्स एक्सट्रीम नॉर्थ में रहते थे, मेक होम्स और शेल्टर्स. वो अपना होम या अपना छाव, शेल्टर ऑफ स्नो इन विंटर में वो बनाते हैं, उसको कहते हैं इग्लूस. दीज हाउसेज आर लाइक डोम्स. ये डोम्स की तरह होते हैं फॉर द स्नो टू फॉल ऑन, जिसकी वजह जो कि स्नो उस पर गिर सके आइदर साइड. दे हैव अ होल इन द सेंटर. बीच में उनका सेंटर, दिस इज एन इग्लू. हाँ, बीच में उनका, हियर द डायग्राम इज देयर, यू कैन सी दिस इज एन इग्लू. दिस इज अ होल इन द सेंटर. दे हैव अ होल इन द सेंटर फॉर स्मोक एंड हॉट एयर. मतलब स्मोक आने के लिए और जाने के लिए, और हॉट एयर पास करने के लिए. थ्रू द फ्लोर इज कवर्ड विद द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स. जो फ्लोर होता था वो एनिमल्स की स्किन और फर से कवर्ड होता था. परमानेंट हाउसेज आर ऑल्सो बींग बिल्ट. वहाँ पे परमानेंट घर भी बनाए जाते थे इन रिसेंट ईयर्स फ्रॉम लॉग्स और स्टोन. कुछ ही सालों में, अभी रिसेंटली, जो लॉग्स, ईंट्स होती हैं और स्टोन्स, टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, टेंट बनाते थे एनिमल स्किन से, आर ऑल्सो यूज बाई पीपल. वो लोग यूज करते थे हु ट्रेवल स्पेशली ड्यूरिंग समर्स, जो समर्स में ट्रेवल करते थे. नाउ स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड. सॉरी, द चैप्टर हैज नॉट बीन फिनिश्ड. आई एम रियली सॉरी. Okay, today we'll study till now. We will continue with our chapter in the next class. Good morning, students. Welcome to the class. I myself, Rachna Saxena, today we'll continue with our chapter about Land of Snow and Ice. In last class, I thought the chapter has been finished, but the chapter has not been finished.
will continue with that. Now, what are the food of Greenland? For years, Inuits lived by hunting. Inuits कैसे रहते थे? Hunting करके, fishing करके और food gathering से रहते थे during the summer and spring season. Most of their needs, ज़्यादातर उनकी जो needs थी वो fulfilled होती थी animals के द्वारा which they killed, जो animals को वो मारते थे. Recent time में they can buy goods, वो आज के टाइम में गुड्स बाय कर सकते हैं ब्रॉट इन फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्रीज से ला सकते हैं. द इनयूनिट्स गेट देयर फूड बाय फिशिंग, इनयूनिट्स को खाना मिलता था फिशिंग से, हंटिंग से. वो एनिमल्स को हंट करते थे फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट. यूज ऑफ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग इज ऑल्सो कॉमन दीज डेज. नाउ ड्रेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्स, अब वहां पे जब इतनी स्नो, इतना आइस है, इतना ठंड रहता है समर में भी, तो उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए ठंड से. तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम कोल्ड, द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी औरत और बच्चे, दे वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील, सील की स्किन से जो कपड़े बनते थे गर्म कपड़े, वो ये लोग पहनते थे. द इनयूनिट्स आर ट्रेडिशनली ड्रेस्ड इन ट्राउजर्स, इनयूनिट जो थे वो ट्रेडिशनली उनके ड्रेस था ट्राउजर्स एंड हुडेड जैकेट्स टू कवर देयर हेड्स. हुडेड जैकेट्स यू नो जो कैप आती है लगी हुई कोट्स में जो सर को कवर करती है. दीज आर कॉल्ड पार्कास मेड फ्रॉम फर ऑफ, ये पार्कास इसको कहा जाता है जो एनिमल्स के फर से बनाई जाती है. द इनयूनिट ऑल्सो वेयर वाटर प्रूफ बोट, इनयूनिट जो है वो वाटर प्रूफ बोट्स भी भेज वाटरप्रूफ बूट्स, अ टाइप ऑफ शूज, ये बड़े लंबे लंबे से होते हैं, वो भी वो पहनते हैं और उनको कहा जाता है मुकलक्स, दैट आर मेड फ्रॉम द सील स्किन, जो सील स्किन के द्वारा बनाई जाती है. नाउ वॉट इज द इकोनॉमी, ग्रीनलैंड इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल हेल्प, ग्रीनलैंड जो है वो डिपेंड हो गया है फाइनेंशियल हेल्प के लिए फ्रॉम डेनिश गवर्नमेंट से. फॉर मोर देन हाफ ऑफ इट्स इनकम, उनकी हाफ ऑफ इट्स इनकम वहां से होती है. द आईलैंडर्स डिपेंड ऑन फिशिंग, जो वहां के रहते हैं लोग आईलैंडर्स, वो डिपेंड है फिशिंग पे. द चीफ प्रोडक्ट आर फ्रोजन, चीफ प्रोडक्ट्स को फ्रोजन किया जाता है, टाइंड किया एंड ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश एंड श्रिम्प्स डेट आर एक्सपोर्टेड, ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं. एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली ऑन 1% ऑफ द आइलैंड एरिया, एग्रीकल्चर पॉसिबल है खाली 1% आइलैंड एरिया पे. टूडे द इनयूनिट कम इन माइंस, आज इनयूनिट माइंस में भी आ गए हैं, ऑयल फील्ड में भी हैं एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज. नाउ इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, आजकल कई लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स सो डेट बेटर एजुकेशन, टाउन्स में माइग्रेट हो गए जिससे कि बेटर एजुकेशन मिल सके, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर अवेलेबल टू देयर फैमिलीज, और उनको एंटरटेनमेंट भी अच्छा मिला हो. नाउ ग्रीनलैंड इज कनेक्टेड बाय एयर टू यूरोप, ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप से कनेक्ट है बाय एयर, जाते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. टुडे ग्रीनलैंड इज नो लॉन्गर अ रिमोट आइलैंड, अब ग्रीनलैंड कोई रिमोट आइलैंड नहीं रह गया, इट इज नाउ ऑन इट्स वे टू ज्वाइन, अब वो अपने रास्ते में है ज्वाइन करने का है हैंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब वो चाहे तो वर्ल्ड के रेस्ट पार्ट से वो अपने आप को मर्ज या ज्वाइन कर सकता है. इट इज मेकिंग एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, वो साइंस की फील्ड में ज्यादा एडवांस हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी विद रैपिड पीस. सो Now this chapter has been finished. I hope you all must have understood the chapter. Students, this new words you have to write in your copy and these multiple choice questions also you have to do in your book itself. Till then, and next class I will be giving you the exercise of question answers, fill-ups. Till then, bye.